वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो चैप्टर 5 है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको इसका पीवी डायग्राम वगैरह समझना, क्योंकि आगे हम रोटरी कॉम्प्रेसर पढ़ेंगे, उसके बाद आईसी इंजन भी हमें पढ़ना है। आपको काफी हेल्प मिलेगा ये सब चीजों से, ठीक है। जनरली इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है, बहुत कमी क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारे एसएससी और आरआरबी में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बट एसएससी जेई में बहुत कम इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, बट एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे, बट उससे पहले थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ टीजीडी में ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से, तो मैं वो वीडियो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको लगा रहा हूँ। और लास्ट में वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है मेरे, क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर के पेपर मैंने देखा, तो गिन के 5-6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, और वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आई थिंक एयर कंप्रेसर से आप लोग फैमिलियर होंगे, तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इससे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में या फिर आपने हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में आप शायद पढ़े होंगे एयर कंप्रेसर से रिलेटेड बहुत कुछ, या फिर आईसी इंजन में भी आप बहुत हाँ आईसी इंजन में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो आईसी इंजन में काफ़ी कुछ था एयर कंप्रेसर से रिलेटेड, तो सेम वही हम यहाँ भी करने वाले हैं। आईसी इंजन में आपने जो जो फॉर्मूला यूज़ किया था, कुछ उसी से रिलेटेड फॉर्मूलाज भी इस चैप्टर में है। तो ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, ईजी यूनिट है, आप ईजिली इस यूनिट को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है कंप्रेशर? देखो, कंप्रेशर का काम क्या था, एक तो हमारा इंजन हो गया, ठीक है, या फिर बोले तो मोटर। तो उसमें क्या रहता है कि आप उसको कंबसन के थ्रू वो काम करता है, तो उससे वर्क मिलता है, ठीक है, वर्क मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इंजन है, यहाँ पे कंबसन, यहाँ पे ये कोई हम एक्सटर्नल पावर देखिए इसे नहीं पा करते हैं, इसमें फ्यूल आ रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है। इस बर्न होने के कारण जो एनर्जी इस पर लग रही है पिस्टन पे, उसके कारण पिस्टन अप डाउन हो रहा है, जिसके कारण उसका क्रैंकशाफ्ट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट ये इंजन हमें वर्क दे रहा है, बट कंप्रेशर केस में क्या है हमारा कि हम मोटर से पावर दे रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशर भी सेम आप समझ लो कि इंजन की तरह ही है, ठीक है, सेम ऐसा है। ये पिस्टन है आपका, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो क्रैंकशाफ्ट है, इसको आप मोटर के थ्रू पावर देते हो, ठीक है, आप किसी मोटर के थ्रू पावर देते हो, ठीक, किसी मोटर के थ्रू आप पावर कर दे रहे हो। तो पावर देने में पिस्टन आपका अप डाउन हो रहा है, तो अप डाउन होने के कारण ये यहाँ का वाल्व, सेम वाल्व जैसे इंजन में होता है वैसे वाल्व ओपन होगा, तो सक्शन प्रोसेस, देन कंप्रेशन प्रोसेस एंड देन एक्सपेल, यहाँ तीन ही होता है, लास्ट एग्जॉस्ट, ठीक है, ये तीन यहाँ पे होता है। Now, a compressor is a device which is used to increase the pressure of fluid on the expense of work energy supply. It is driven by motors, IC engine or gas turbine. क्या करता है? तो air को compress क्यों करते हैं? ताकि उसका pressure बढ़े। इसलिए करते हैं compress किसी भी air को। जैसे कि आप ये सब देख रहे हो, ये सब आप देखे होगे, familiar होगे ये सारे, ये सब air compressor है। ये motor के through क्या करते हैं? हम बाहरी जो atmospheric air को compress करते हैं, उसके अंदर भर के रखते हैं at high pressurized. हाई प्रेशराइज्ड एयर इसके अंदर भरते हैं, जिसको आप व्हील वगैरह में फिल करते हैं, ठीक है, सेम यही काम था। ओके, नाउ एयर कंप्रेशर क्या होता है? अ कंप्रेशर विथ वर्किंग फ्लूइड एस एयर इज कॉल्ड एन एयर प्रेशर। अगर आप वर्किंग फ्लूइड को एयर लेके चल रहे हो, देन द कंप्रेसर इज कॉल्ड एयर कंप्रेशर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कंप्रेसर का, आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो कंप्रेसर का यूज ड्राइविंग अ कंप्रेस्ड एयर इंजन, कंप्रेस्ड एयर इंजन को ड्राइव करने के लिए स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग जो होता है उसके अंदर भी ये आपके डीओज, डिओड्रेंट वगैरह में भी सब हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में, गैस टरबाइन पावर प्लांट, सुपर चार्जिंग आईसी इंजन, आईसी इंजन को सुपर चार्ज करने के लिए एक सुपर चार्जर यूज करते हैं, वो क्या करता है, वो भी एयर को कंप्रेस करके अंदर रखता है और वो आईसी इंजन को फिर देता है जितना प्रोवाइड है। पंपिंग ऑफ वाटर, वाटर को पंप करने के लिए, यहाँ पे एयर हम लोग रहे थे, एयर ऐसे वर्किंग फ्लूइड, वाटर ऐसे, इसका भी प्रेशर बढ़ा के उसकी वेलोसिटी चेंज करती है विद द हेल्प ऑफ नोजल। ये सब प्रैक्टिकल यूजेस है हमारे कंप्रेसर के, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, कितने टाइप के? दो टाइप के कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, एक रेसिप्रोकेटिंग और एक रोटरी कंप्रेसर। तो इस यूनिट में अगर हम सीधे साधे बोले, तो इस यूनिट में आपको थ्योरी अगर बेस करना है, तो रोटरी कंप्रेसर क्या होता है,
ठीक है, उसकी वर्क डन उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं बस आप ये जान लो, और रोटरी कंप्रेशन जो सेकेंड पार्ट है इस यूनिट का, इसका थ्योरी पढ़ लो, ये यूनिट आपका कंफर्म कंप्लीट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसीलिए मैं बता दिया क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इस यूनिट में। आप रोटरी कंप्रेसर का वर्क डन उसे दो चार न्यूमेरिकल लगा लो, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इसके टर्म में आएगा तो उसका देख लो, और उसके बाद रोटरी कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं, ब्लो रूट रोटरी सब आप आईसी इंजन में देखे होंगे। ठीक है, रूट टाइप मैं अभी दिखा दूंगा आपको जब बात करेंगे, ये सब हमारा है ना। वो रोटरी कंप्रेसर क्या होता है, टाइप्स ऑफ में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर जैसे इंजन पिस्टन का है सेम, मैं आपको गूगल पर दिखाता हूँ, मेरे पास रोटरी कंप्रेसर है ये रहा सेम, ये क्रैंक केस है, ये क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा पिस्टन है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, इनलेट वाल्व, डिलीवरी वाल्व। इनलेट यहाँ पे इनलेट जो है उसे हम इनलेट वाल्व बोल रहे हैं, और जो बाहर जाएगा उसे हम बोल रहे हैं डिलीवरी वाल्व, क्योंकि वो एयर डायरेक्ट कहीं यूज होगा नहीं होगा, उसको हम कहीं कंप्रेस करके रहे तो ये डिलीवरी कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो ये हमारा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी बड़ा अच्छा लिखा होगा, इट यूजेस द पिस्टन साइलेंडर अरेंजमेंट एंड ड्यू टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर द एयर इज कंप्रेस्ड एंड डिलीवर्ड टू वेसल कॉल्ड रिसीवर, दिस आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ लार्ज प्रेशर रेशियो विद लो वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, अगर इस ये क्या करता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का काम ये है कि जो आपका फ्लो रेट, मतलब अगर बहुत कम फ्लो रेट से आपकी एयर अंदर आ रही है, ठीक है, तो क्या करेगा वो पिस्टन से उसको इतना कंप्रेस कर देगा, उसकी प्रेशर इंक्रीज करके भेजेगा। मीन्स दिस आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ लार्ज प्रेशर रेशियोज विद लो वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके नाउ, अब उसके बाद आता है हमारा रोटरी कंप्रेशर। द कंप्रेसर ऑपरेट एट हाई स्पीड देयर फॉर कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम फ्लो रेट कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर क्या करता है, लार्ज वॉल्यूम रेट चाहिए इसको, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर वो अपने अंदर एंटर करा सकता है। रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लो जो एयर का फ्लो है वो अपने अंदर ला सकता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से चल रहा है, तो तेजी चल रहा है तो उसका सक्शन प्रोसेस भी काफ़ी तेज से होगा। ठीक है, इसे अगर हम ये रोटरी कंप्रेसर का यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग। ओके नाउ, अब आता है प्रेशर लिमिट ऑफ कंप्रेसर। तीन टाइप का हमारा लो प्रेशर कंप्रेसर होता है, मीडियम प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर। लो प्रेशर कंप्रेसर डिलीवरी प्रेशर अप टू 1.1 bar, जो डिलीवरी पर आउटलेट एट आउटलेट वाल्व पे जो प्रेशर हमें मिलता है, अगर आप लो प्रेशर कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं तो 1.1 bar प्रेशर मिलेगा। मीडियम प्रेशर कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं तो आउटलेट पे आपको 7 bar मिलेगा। हाई प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो आउटलेट पे आपको 7 to 10 bar प्रेशर मिलेगा, बहुत होता है इतना। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन बिटवीन फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेशर। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन बिटवीन फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर में एज पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ASME, ये तो आप इसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, एक मैकेनिकल के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अकॉर्डिंग टू प्रेशर रेशियो अचीव, ओके, देन फॉर फैन प्रेशर रेशियो अप टू 1.1, ब्लोअर प्रेशर रेशियो फ्रॉम 1.1 to 4.0, फॉर कंप्रेशर द प्रेशर रेशियो अबव 4.0। ओके, फैन के लिए जो हमारा प्रेशर रेशियो होता है 1.1, ब्लोअर के लिए 1.1 से 4.0, एंड कंप्रेसर के लिए इतना। नाउ कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशर, लो कैपेसिटी कंप्रेसर वॉल्यूम फ्लो रेशियो, लो कैपेसिटी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब वो कितना एयर अपने अंदर शक कर सकता है कोई भी कंप्रेसर, उस पर होगा वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होता है वो। देयर फॉर द वॉल्यूम फ्लो रेशियो अप टू 10 m³/min, ठीक है, पर मिनट वो 10 m³ अपने अंदर एयर फ्लो करा सकता है लो कैपेसिटी कंप्रेसर में। मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर में क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट अबाउट 10 m³/min, 300 m³/min, एंड फॉर हाई कैपेसिटी कंप्रेसर के लिए वॉल्यूम फ्लो रेट अबाउट 300 m³/min। ओके, ये रोटरी में ज़्यादातर होता है, रोटरी कंप्रेसर में, क्योंकि ज़्यादा स्पीड चलता है, ज़्यादा स्पीड चलेगा तो फ्लो भी ज़्यादा तेजी से होगा, तो उसके अंदर ये हाई कैपेसिटी कंप्रेसर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर से हम रोटरी कंप्रेसर पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम सॉरी नॉट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के डिस्कस करेंगे, उसके वर्क, उसकी एफिशिएंसी, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे देखेंगे, उस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे, हमारा कुछ टॉपिक्स और हैं मल्टी स्टेज
ये सब देखेंगे, उस फिर आ जाएंगे रोटरी। सेकेंड पार्ट है रोटरी कंप्रेसर। इन एयर कंप्रेसर, जैसे आपने जो इंजन का वर्क, जो इंजन का प्रोसेस पढ़ा था, जो अपने पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम पढ़ा था आईसी इंजन में, सेम उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए, इसका डिस्क्रिप्शन में आप तो ऐसे लिख ही सकते हो कि हम यहाँ पे क्या होता है, एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट। कैसे मैं, जैसे कभी कभी एग्जाम्स में इसके पूछ देते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का पूरा डिस्क्राइब करो, ठीक है, वो करो। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, एक इनलेट वाल्व होता है, एक हमारा डिलीवरी वाल्व होता है जिससे एयर कंप्रेस्ड एयर हाई प्रेशर में डिलीवर होता है, एक पिस्टन कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म होता है, क्रैंक होता है, क्रैंक के शाफ्ट होता है, ये सब आप लिख देना, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मोटर्स, ये पिस्टन अप डाउन होता है, तो अप डाउन होने से इनलेट एयर अंदर आता है, प्रेशराइज होता है और आउटलेट से बाहर जाता है, ये डिस्क्रिप्शन आप लिख देना। एजप्शन में क्या है, कुछ एजप्शन लेके हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, देयर इज नो क्लियरेंस। हाँ, अब बात आएगी सबसे मजेदार, आईसी इंजन में हम पढ़े थे कि ऊपर थोड़ा सा क्लियरेंस हम देते हैं, जो हमारा पिस्टन है वो जाकर एकदम हेड से टकरा नहीं जाता है, आईसी इंजन में ये पढ़े थे, थोड़ा सा गैप देते हैं, पिस्टन का आखिरी लिमिट यहीं तक होता है, ये थोड़ा गैप बचा रह जाता है हमारे सिलेंडर के हेड में, ठीक है, आईसी इंजन में। बट इन केस ऑफ कंप्रेसर हम ये नहीं देते हैं, ठीक है, हम ये गैप नहीं देते हैं, गैप देते भी हैं तो एकदम माइन्यूट माइन्यूट गैप देते हैं, मतलब इतना गैप, ये जो गैप दिख रहा है आपको इतना गैप देते हैं, ताकि ये जाकर एकदम टकरा ना जाए उसमें, बस एकदम माइन्यूट गैप देते हैं। क्यों एयर कंप्रेसर में ऐसा क्यों करते हैं, और आईसी इंजन में क्या था भाई, आईसी इंजन में क्यों हम थोड़ा गैप देते हैं, ठीक है। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ एजप्शन है लेके हम इसका वर्क डन और एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। पहला है, देयर इज नो क्लियरेंस, नो क्लियरेंस बिटवीन हेड। वर्किंग फ्लूड इज़ अ परफेक्ट गैस, वर्किंग फ्लूड जो होना चाहिए वो परफेक्ट गैस होना चाहिए। देयर आर नो फ्रिक्शन लॉसेस, जो आसपास जो इसके कारण जो है नो फ्रिक्शन होना, पिस्टन जो आपके सिलेंडर में टकरा रहा है उसके कारण कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हम लोग माने चल रहे हैं नो फ्रिक्शन लॉसेज। द सिलेंडर इज़ वेल इंसुलेटेड, सिलेंडर वेल इंसुलेटेड, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है फ्रॉम आउटर टू इनर, इनर टू आउट, ओके। नाउ इसकी वर्किंग, ये पी वी डायग्राम है, ये प्रेशर का है, ये आपका वॉल्यूम का है, ठीक है। अब इसको ग्राफ को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ग्राफ का जो ये लाइन है पहला वाला, उसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोलते हैं, दैट इज पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला पता हो, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक का कंडीशन आपको पता हो क्या होता है, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू सी, वेयर द वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल टू 1.4। नाउ द सेकेंड प्रोसेस, ये जो है कुछ हो, ऐसा हो सकता है कि एयर कम सेकेंड केस में हम कुछ ऐसा करें कि हमारा सी ग्राफ यहाँ ये ना बन के थोड़ा सा नीचे बन जाए, ये जो हमारा बनेगा, ये लाइन जो बनेगा वो बनेगा हमारा पॉलीट्रॉपिक होगा, पॉलीट्रॉपिक होगा, दिस मीन्स पी वी पावर एन इज इक्वल टू सी, याद रखना, एक टर्म मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। फॉर एडियाबैटिक कंडीशन में पी वी गामा इज इक्वल टू सी होता है, फॉर पॉलीट्रॉपिक कंडीशन में पी वी पावर एन इज इक्वल टू सी होता है, ओके। एंड फॉर आइसोथर्मल सेम, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आइसोथर्मल केस में, मतलब तीन तीन केस हम पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। पहला है, द एयर इज सक्ड ए टू बी, जैसे एयर हमारा अंदर आ रहा है, तो प्रेशर पी वन से एयर हमारे पिस्टन के अंदर, ये सिलेंडर के अंदर गया, सक्शन के टाइम पे प्रेशर पी वन, बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर तो होगा एयर का, प्रेशर पी वन से वो अंदर की ओर आया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, पी वन से ही आ रहा है, कोई प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये पिस्टन जब सक करेगा तो यहाँ का वॉल्यूम, पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, बट जो प्रेशर से अंदर आ रहा है पी वन, वो प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर। उसके बाद फिर क्या करेगा पिस्टन हमारा, इसको कॉम्प्रेस करेगा, कॉम्प्रेस करेगा एयर को हाई प्रेशर को बदलने में, तो कॉम्प्रेस करेगा तो ये लाइन हमारा डेवलप होगा, ये सी, बी से सी लाइन डेवलप होगा, इट इज़ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन, ओके। नाउ द एयर इज देन कॉम्प्रेस एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली अप टू प्रेशर पी टू, एट अप टू प्रेशर पी टू, प्रेशराइज हो गया, प्रेशर पी टू तक कॉम्प्रेस किया, एज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व बी सी, कर्व बी सी से हम दिखा रहे हैं। देयरफॉर पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक रिवर्सिबल केस चल रहा है। नाउ डिलीवरी वाल्व ओपन, डिलीवरी वाल्व ओपन होगा एंड द कॉम्प्रेस्ड एयर ऑफ द सिलेंडर इज डिस्चार्ज टू द रिसीवर, बाहर निकल आएगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी टू से, रिप्रेजेंटेड बाई द प्रोसेस सी डी, सी डी से ये जो जिस प्रेशर से कॉन्स्टेंट प्रेशर से आया और कॉन्स्टेंट प्रेशर से सी से डी, फिर वो बाहर निकल जाएगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, वॉल्यूम देखोगे आप कम होता है क्योंकि कॉम्प्रेस हो रहा है,
पिस्टन ऊपर की ओर आ रहा था, वॉल्यूम कम होते जा रहा है, ये देखा वॉल्यूम कम होते, ये वॉल्यूम का लाइन है, ये वॉल्यूम कम होते जा रहा है, बट प्रेशर कॉन्स्टेंट से बाहर निकल रहा है, ठीक है। नाउ द एरिया ए बी सी डी रिप्रेजेंट द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस। अब जो एरिया है ये ए, ये बी, ये सी डी, ये जो एरिया है, बोले तो ऐसे मैं इसको हैच करता हूँ, ये जो एरिया है, ये एरिया हमें बताता है कि कितना कंप्रेसर जो है कितना वर्क किया, प्रेशर P1 को P2 में बदलने के लिए कितना वर्क हुआ। तो ये जो एरिया है A B C D इज द वर्क एरिया, देयर फोर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम वर्क के कंडीशन, देयर फोर वर्क इज इक्वल टू वी डी पी, पता है ना, तो माइनस ऑफ वी डी पी। द एरिया ए बी सी डी रिप्रेजेंट द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेसर द एयर फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2 विच इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि आईसी इंजन में अगर होता तो हम वी इंटू डी पी लिखते हैं, क्योंकि आईसी इंजन में क्या होता है, कंबस्टन होने आईसी इंजन वर्क देता है, बट हम कंप्रेसर को बाहर से मोटर से वर्क दे रहे हैं तो वो चल रहा है, इसलिए हम वर्क जब आप किसी को दे रहे हो, तुम कोई मशीन वर्क किस ले रहा है वो माइनस में, जब वो कोई मशीन वर्क किसी को देगा वो पॉजिटिव होता है, तो माइनस है इसलिए माइनस। ओके, नाउ कैलकुलेशन फॉर वर्क एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो पहला केस ये लाइन का हमने देखा है, ये दो लाइन, दो लाइन, दो ग्राफ और बन रहा है, ये एक ये, ठीक है। तो वन बाई वन जब वर्क एफिशिएंसी करेंगे तब हम उसको समझाएंगे। पहला जो हमारा ये बना है, ठीक है, पहला जो एरिया ए बी सी डी जो एरिया है वो वर्क डन, उस एरिया जो वर्क जो एरिया कवर कर रहा है उससे वर्क डन निकालते हैं। तो कैलकुलेशन फॉर वर्क एंड एफिशिएंसी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क, पहला जो ग्राफ था वो जो मैंने आपको बताया रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क हो रहा है, तो इससे हम निकालेंगे। देयरफॉर वर्क डन ऑन द एयर पर साइकिल इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी जो एरिया टोटल कवर हो रहा था, विच इज इक्वल टू एरिया ओ डी सी ई। मीन्स देखो क्या क्या है, एरिया ओ डी सी ई कहाँ है, ओ देखो ध्यान से, एरिया ओ, ठीक है, ओ एरिया ओ, ये डी सी और ये एरिया, ठीक है, ये एरिया प्लस एरिया सी ई एफ बी सी, कौन से एरिया, एरिया या फिर ऐसे बोले एरिया ई सी बी एफ, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है, उसके बाद माइनस ऑफ एरिया ओ, हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है, हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एरिया निकालने के लिए हम इस एरिया को प्लस इस एरिया को प्लस करके इस एरिया को माइनस कर दे रहे हैं, हमारा ये एरिया निकल आएगा, ठीक है, यही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देयरफॉर फॉर प्रोसेस एरिया ओ डी सी ई पी टू वी टू क्या हो जाएगा, एरिया पी टू वी टू एट प्रेशर पी टू, क्योंकि एट मिल रहा है और वी टू, एंड फॉर एरिया जो साइड वाला एरिया था ट्रेंगुलर एरिया वो हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपान रो गामा वन, ठीक है। पी टू वी टू, ये P2, ये पॉइंट क्या है, वी टू पी टू माइनस पी वन वी वन, ठीक है, मीन्स ये और माइनस दिस, ये P1 और ये V1 है, इसमें से आप P2 और ये V2 माइनस कर दोगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। देयर फॉर दिस एंड फॉर एरिया ओ ए बी एफ, नीचे वाला जो एरिया जिसे माइनस कर रहे, इट इस एरिया क्या है, नीचे वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा, पी वन वी वन। ओके, अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो आपका गामा अपॉन गामा माइनस वन विच इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये कैलकुलेशन ये आप सॉल्व कर लेना। देयर फॉर वर्क डन इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस वन पी वन वी वन पी टू वी टू अपॉन पी वन वी वन माइनस वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद अब आते हैं हम लोग ना, बट पी वन वी वन, अब एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है, तो हम पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, देयर फॉर पी वन वी वन पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू पावर गामा फॉर कॉम्प्रेशन प्रोसेस बी टू सी, जो कंप्रेस हो रहा है, फॉर ये जो कंप्रेस हो रहा है फ्रॉम बी टू सी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो पी वी गामा इज इक्वल टू सी होता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। देयर फॉर फ्रॉम दिस वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू पावर वन अपॉन गामा,
लिख सकते हैं therefore p2 v2 ये जो पार्ट है p2 v2 upon p1 v1 तो p2 v2 वैसे ये v2 upon v1 की जगह पे हम p1 upon p2 1 upon गामा कर दिए। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 प्लस 1 बाई गामा है, दोनों को प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा इंटू में पावर प्लस हो जाता है तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो जाएगा p2 upon p1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब ये वैल्यू पुट कर दें, ये p2 v2 की जगह पे पुट कर देंगे ये वैल्यू तो वर्क डन इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 p1 v1 ब्रैकेट p2 upon p1 का गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ऑल्सो वी नो डैट p1 v1 इज इक्वल टू एम आर टी होता है, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू गामा गामा माइनस 1 एम आर टी 1 p2 upon p1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये जो है हमारा, इसे बड़े ध्यान रखिए आप, ठीक है, ये फॉर्मूला ये और एक ये दो वर्क डन जब भी ऐसे पूछेगा फॉर रिवर्सिबल कंडीशन में तो आप ये फॉर्मूला दैट वर्क डन का आँख बंद करके गामा गामा की वैल्यू 1.4 होती है, पी वन वी वन आपका क्वेश्चन में दिया होगा फ्लो रेट वॉल्यूम जो है और प्रेशर और या पी टू वी वन दिया होगा गामा वॉल्यूम पुट डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे वर्क निकल जाएगा। अगर मास फ्लो रेट दिया हो तो एम की वैल्यू पुट करो, आर आपको पता ही 270 287, पी वन टेम्परेचर भी दिया होगा वैल्यू सब पुट करो आपका डायरेक्ट वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तरीका है, तो इसीलिए फॉर पहले वाले ग्राफ के लिए हमारा ये वर्क निकला, ठीक है। तीन सेक्शन है इसमें ग्राफ में, एक ये सेक्शन है रिवर्सिबल एडियाबैटिक सेक्शन, एक पॉलीट्रॉपिक के लिए, एक आइसोथर्मल के लिए, तीन ग्राफ यहाँ पे हमारा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तीन ग्राफ। तो पहले ग्राफ के लिए हमने देख लिया वर्क डन निकल गया फॉर नाउ। अब आइसोथर्मल एंड पॉलीट्रॉपिक वर्क कंप्रेशन, अगर आपका पॉलीट्रॉपिकली कंप्रेस हो रहा है एयर, इन दैट केस वर्क डन क्या होगा। However, the slope of an isothermal compression curve is less than the adiabatic curve. Therefore, in case the air is compressed isothermally, it could follow curve B C double dash. ठीक है? B C double dash क्या कह क्या रहा है? In isothermal, ठीक है? And polytropic work compression. Okay. देखो, isothermally जो हो रहा है, However, the slope in an isothermal compression curve is less than the adiabatic curve. Therefore, in case of air is compressed isothermally, it would follow curve B double C dash. And the area A B C double dash D would represent the work of compressor, which is less than the reversible adiabatic compressor. Work by an amount equal to the area B C double C. देखो क्या कह रहा है कि जब हमारा isothermally, isothermal मतलब at constant temperature पे हमारा जब एयर कंप्रेस होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ बना है, कौन सा ग्राफ बना है, उसके लिए हमारा ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो कि हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेसर से कम होगा, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक का ये कर्व है, तो इससे ये कर्व कमी है, तो एरिया कम हुआ, तो वर्क डन भी हमारा एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्क डन भी हमारा कम होगा होगा। देयरफॉर हमारा जो वर्क डन होगा फॉर आइसोथर्मल केस के लिए, दैट इज डब्ल्यू आई मीन्स आइसोथर्मल के लिए, पी वन वी वन लॉग वी वन अपॉन वी टू विच इज इक्वल टू पी वन वी वन लॉग पी टू अपॉन पी वन, बिकॉज वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन। और आप लिख सकते हो कि वर्क डन आइसोथर्मली वर्क डन जो होता है वो होता है एम आर टी वन, आइसोथर्मल आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात आ रही है, एंड दैट केस वर्क डन होगा एम आर टी वन log p2 upon p1, क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर क्या होता है, इंडिकेटेड पावर या फिर एयर पावर, एयर की क्या पावर है किस वो निकालने के लिए, दैट इज इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू w डॉट n अपॉन 60 इंटू 1000 फॉर किलो वाट में चेंज करने के लिए। और इंडिकेटेड पावर का मेन फॉर्मूला हमारा ये है w स्मॉल n अपॉन 6000 इन किलो वाट, ओके, वेयर एन इज द नंबर ऑफ स्ट्रोक, एन क्या है नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट, कैपिटल एन जो होगा स्पीड ऑफ कंप्रेसर, एन इज इक्वल टू एन फॉर सिंगल, स्मॉल एन इज इक्वल टू टू एन फॉर डबल एक्टिविटी कंप्रेसर। अगर सिंगल स्ट्रोक कंप्रेसर है तो स्मॉल एन की वैल्यू एन हो जाएगी स्पीड ऑफ कंप्रेसर, ठीक है, और अगर टू स्ट्रोक है तो स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएगी टू एन, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटेड पावर। उसके बाद आता है आइसोथर्मल एफिशिएंसी, आइसोथर्मल एफिशिएंसी
इट रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन अचीव इन द कंप्रेसर। और आप ऐसे इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल वर्क इनपुट टू एक्चुअल वर्क इनपुट। ठीक है, तो जो वर्क आपको मिल रहा है, हमेशा एफिशिएंसी पे ध्यान देना, जो आपको वर्क मिल रहा है और असलियत में जो क्या, जो एक्चुअल वर्क क्या है, उन दोनों का डिवीजन हमारा होता है एफिशिएंसी। देयरफॉर आइसोथर्मल वर्क इनपुट, आइसोथर्मल वर्क इनपुट मतलब अभी आप सबसे पहले अगर आपको एफिशिएंसी निकालना हो तो आप डब्ल्यू आई निकालोगे। कैसे निकालोगे डब्ल्यू आई? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ये दिस फार्मूला डब्ल्यू आई निकालोगे, ये आपका आइसोथर्मल वर्क इनपुट है। और एक्चुअल वर्क इनपुट, एक्चुअल वर्क इनपुट में आपका आ जाएगा इस ग्राफ से कि आपका कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का वर्क यूज़ करोगे, पॉलीट्रॉपिक का वर्क यूज़ करोगे, कौन से एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, आइसोथर्मली जो होता ही है ये तो हमारा नॉर्मल, ये थियोरेटिकल है, थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं कि हमारा ये थियोरेटिकली हमारा ये ग्राफ बनता है। ठीक है, बट कुछ केस के कारण हमारा ग्राफ चेंज होके हमारा ये वाला ग्राफ बनता है, ये ग्राफ या फिर ये बाहर वाला ग्राफ। ठीक है, तो जो ये हमारा एक्चुअल हो जाएगा, ये और ये जो एक्चुअल, ये हमारा थियोरेटिकली है बट एक्चुअल हम देखते हैं कि एक्चुअल हमेशा उससे ज़्यादा या फिर कम ऐसे ही मिलता है। ठीक है, ज़्यादा ही वर्क हमें खर्चा करना पड़ता है। तो इन डैट केस आइसोथर्मल एफिशिएंसी इज दिस। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा, अभी फिलहाल इतना माइंड में रखिए। नाउ मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर टू द पावर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर, शाफ्ट पावर। ठीक है, इंडिकेटेड पावर अपॉन ब्रेक पावर हम लिखे हैं, ब्रेक पावर का मतलब होता है शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर मतलब ये कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए शाफ्ट लगा हुआ है और ये मोटर है। ठीक है, ये मोटर है, ये शाफ्ट पावर, ये मोटर की पावर, ये शाफ्ट कितने पावर से ऑपरेट हो रहा है, वो पावर जो होता है दैट इज ब्रेक पावर। तो इंडिकेटेड पावर आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला और ये ब्रेक पावर का आपको दिया होगा, पुट करोगे तो आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल जाएगा। और मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल गया और इसे हम एडियाबेटिक एफिशिएंसी एक बोलते हैं। एडियाबेटिक एफिशिएंसी का मतलब होता है एडियाबेटिक पावर अपॉन ब्रेक पावर। सेम, एडियाबेटिक एफिशिएंसी मतलब एडियाबेटिक पावर अपॉन ब्रेक पावर। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन ब्रेक पावर। तो याद रहेगा ये फॉर्मूला। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लियरेंस हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर सो दैट द पिस्टन डज नॉट स्ट्राइक विद द सिलेंडर हेड। ओके, मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली हम लोग शुरू से आईसी इंजन से पढ़ते आ रहे हैं कि पिस्टन और हेड, जो पिस्टन का हेड है उनके बीच में थोड़ा हम गैप देते हैं। ठीक है, मीन्स अगर ये हमारा पिस्टन हुआ, ये पिस्टन का ये हेड, सॉरी इंजन का हेड हुआ और ये हुआ हमारा उसका सिलेंडर और ये हुआ पिस्टन हमारा, ये पिस्टन सिर्फ यहीं तक मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है वॉल्व, पिस्टन यहीं तक मूव करता है, इसके ऊपर पिस्टन नहीं जाता, ये कुछ यहाँ पे क्लियरेंस आपको मिल जाता है। तो ये आईसी इंजन में देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर आए वो थोड़ा इसके अंदर आने के बाद टर्बुलेंस वगैरह क्रिएट करे, जिसके कारण जो ईजिली फ्लेम प्रोपोगेट है पूरे सरफेस, पूरे पिस्टन पे, पूरे कंबसन चैम्बर में ईजिली फ्लेम प्रोपोगेट है और जितना आया है वो पूरा पूरा कंबसन हो जाए, जितने फ्यूल है सारे बर्न हो जाए, इसलिए। बट इन केस ऑफ कंप्रेशन हम कहते हैं कि हम देते ही नहीं हैं, कंप्रेसर में देते नहीं, क्योंकि तो अगर कंप्रेसर में हम दे रहे हैं तो कंप्रेसर में तो हमें कंबशन कराना नहीं है, तो हम क्यों दें यहाँ पे स्पेस। ओके, बट हम थोड़ा स्पेस इसलिए देते हैं और ये भी कंडीशन कारण है, द पिस्टन डज नॉट स्ट्राइक विद द सिलेंडर हेड, इसलिए स्पेस थोड़ा देते हैं ताकि पिस्टन जब काम कर रहा हो तो हेड से स्ट्राइक ना करे। ओके, सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर इन क्लियरेंस एट डिलीवरी प्रेशर पी टी ऑफ वॉल्यूम वी सी एक्सपेंड पॉलीट्रॉपिकली अलॉन्ग द कर्व 3-4 टिल इट्स प्रेशर बिकम इक्वल टू द सक्शन प्रेशर। देखो, जब हम क्लियरेंस देते हैं, ठीक है, तो एट पॉइंट प्रेशर P1 पे हमारा क्या हुआ, एट प्रेशर P1 पे हमारा सक्शन हुआ, फिर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बट वॉल्यूम चेंज होगा क्योंकि हमारा पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सक्शन हो रहा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, फिर आपका क्या हुआ, कंप्रेसर कंप्रेस हुआ, एयर कंप्रेस हुआ तो वो प्रेशर पहुंच गया P2 पे। ठीक है, P2 पे पहुंचने के बाद एट इसी सेम कॉन्स्टेंट प्रेशर P2 पे आपका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा, वॉल्यूम कम हो रहा है ना,
वॉल्यूम कम हो रहा है और आपका जो एयर है कंप्रेस्ड एयर वो बाहर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे वो बाहर निकल जा रहा है प्रोसेस थ्री, फिर सक्शन हो रहा है। इन दैट केस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर इन क्लियरेंस एट डिलीवरी प्रेशर, एट आउट ऑफ डिलीवरी जब एयर निकलता होता है थोड़ा सा एयर हमारा अंदर ही रहता है ड्यू टू क्लियरेंस। हम कंप्रेसर में भी बहुत माइन्यूट क्लियरेंस देते हैं ताकि हमारा पिस्टन जाके हेड से टकराए ना। तो जब निकलता है हमारा एयर पी टू से एग्जस्ट पॉइंट पे तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर उस क्लियरेंस में रह जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस एट पॉइंट फोर एट दिस पॉइंट फोर द इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व ओपन होता है और हमारा एयर अंदर की ओर आने लगता है एंड द एयर इज ड्रॉन इन टू सिलेंडर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाई द प्रेशर प्रोसेस फोर से वन। एयर हमारे अंदर आने लगा तो ये प्रोसेस हमारा फोर से वन सक्शन प्रोसेस। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर ड्रॉन फोर से वन आर दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एयर ड्रॉन इन दिस सिलेंडर दैट इज वी वन माइनस वी फोर, ठीक है। ये वी वन माइनस वी फोर इज लेस देन द स्ट्रोक वॉल्यूम वी वन माइनस वी थ्री, स्ट्रोक वॉल्यूम वी वन माइनस ये वी थ्री, दिस इज लाइन इज वी थ्री, ठीक है, कम होगा ड्यू टू दिस क्लियरेंस। अब देखो थोड़ा फिगर को समझो ध्यान से, ये जो है फोर से वन तक का जो वॉल्यूम है उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम, ओके। नाउ ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम वी थ्री से लेके वी वन तक जो आपका है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम और द टोटल वॉल्यूम, और ये आपका क्लियरेंस थोड़ा छोड़ के जो रखे हो ये आपका बी सी इज द क्लियरेंस। जब आपका एयर बाहर की ओर निकल रहा है ये कुछ क्लियरेंस के कारण कुछ एयर यहाँ पे रह जाता है और ये एयर जो उसके अंदर रह जा रहा है और फिर जब एयर अंदर की ओर आप ले रहे हो ये जो कंप्रेसर है ये सक्शन प्रोसेस है ये आइसोपॉलीट्रोपिक कंप्रेस होगा। ड्यू टू पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन हमारे जो कुछ हमारा जो एक्चुअल जो हमारा जो इफेक्टिव वॉल्यूम जो अंदर आ रहा है एयर वो हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम से कम है। स्ट्रोक वॉल्यूम देखो एक्चुअल में अगर क्लियरेंस ना होता तो हमारा एयर इतने ये वॉल्यूम जो ये वी एस वॉल्यूम है इस वॉल्यूम में एयर इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एयर हमारा कवर करता है बट ड्यू टू क्लियरेंस हमारा पॉलीट्रक पहले से एयर उसमें है और वो पॉलीट्रकली एक्सपेंड हो रहा है हमारा जो एयर अंदर आ पा रहा है पिस्टन के अंदर वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आ पा रहा है, ठीक है। वही कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ एयर ड्रॉन बाय द कंप्रेसर वी वन माइनस वी फोर इज लेस देन द स्ट्रोक वॉल्यूम, ओके। इट फॉलोज दैट द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर इज रिड्यूस ड्यू टू द क्लियरेंस स्पेस बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर हेड। For this reason, in case of compressor, the clearance volume is kept as small as possible. Due to this reason, हम क्या करते हैं compressor में हम जितना कम हो सके एकदम minute से minute clearance हम देते हैं। समझ में आ गया कितने देते हैं? Okay. Now the measure of handling capacity in case of compressor is defined as the volumetric efficiency. जो हमारा जो air अंदर आया है actual में जो अंदर आ पा रहा है वो कितना कैपेसिटी में वो हैंडलिंग कैपेसिटी किसी कंप्रेसर का बताना हो कितनी कैपेसिटी है कंप्रेसर का वो डिपेंड करता है उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर एक्चुअली कंप्रेस्ड अपॉन पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। कितना एयर अंदर की ओर आ रहा है या कितना एयर अंदर की ओर आ रहा है पिस्टन से उसकी प्रेशर क्या है उसकी टेम्परेचर क्या है और पिस्टन कितना डिस्प्लेस हो रहा है इन दिनों का रेशियो को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ओके। एक टर्म नोट करें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये The work on the air delivered is not affected by the clearance as work required to compress the mass of air clearance volume is theoretical regarding unit expand from point to four. अब ये clearance होने के कारण work done पे कोई भी effect नहीं पड़ता है, वो लिख रहा है clearance होने के कारण volumetric efficiency जो है वो उस पर effect हो रहा है, volume कम flow of air जो है air का अंदर आना और बाहर निकलना वो कम हो रहा है but work जो लग रहा है वो उसको अफेक्ट नहीं होगा। वो जितना वर्क पहले लग रहा था उतना ही वर्क अभी भी लगेगा, बस चेंज क्या होगा आपका जो एयर अंदर आ रही है उसकी मात्रा चेंज होगी उसकी कैपेसिटी चेंज होगी ड्यू टू क्लियरेंस, इसलिए हम लोग कंप्रेसर में कम से कम क्लियरेंस रखते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ईजी इतना में ही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। From equation 1, the volumetric efficiency, ये जो हमारा है ये equation, for according to this, the volumetric efficiency हो जाएगा V1 minus V4, जितना अंदर आ रहा है air, वो space upon stroke length, ठीक है, piston जितना displace हो रहा है मतलब stroke length Vs. Now, V1 is, V4 was, V1 is equal to Vs plus V4,
VS plus VC मतलब क्या हुआ, दिस इज क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्टॉक वॉल्यूम को हम V1 लिख रहे हैं। देखो V1 कहाँ है ग्राफ में, ये है अपना V1, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है अपना V1। तो V1 को क्या लिख सकते हो, ये स्टॉक वॉल्यूम माइनस ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम करोगे, ठीक है, सॉरी ये V1 को क्या लिख सकते हो, ये पूरे को स्टॉक वॉल्यूम दिस और प्लस ये दिस क्लियरेंस वॉल्यूम लिख सकते हैं, हमने यहीं पे वही लिखा है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फ्रॉम 3 to 4, 3 to 4 पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, 3 to 4 पॉलीट्रॉपिक क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, तो एयर उसके अंदर कुछ रह गया ड्यू टू दिस, हमारा क्लियरेंस में कुछ एयर रह गया ड्यू टू दिस, हमारा एयर जो कंप्रेस सक्शन टाइम जो हो रहा है, सक्शन हो रहा है वो पॉलीट्रॉपिक हो रहा है। देयरफॉर P3 इंटू V3 पावर n इज इक्वल टू P4 इंटू V4 पावर n, ओके, देयरफॉर V4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 पावर 1 अपॉन n V3, ओके। नाउ ऑल्सो P3 इज इक्वल टू P2 एंड द P4 इज इक्वल टू P1, देखो P3 इज इक्वल टू P2, P2 है, P3 इज इक्वल टू P2 एंड P4 इज इक्वल टू P1, ओके, एंड द V3 इज इक्वल टू V3, V3 जो है वो किसके इक्वल है, क्लियरेंस वॉल्यूम इक्वल, देयरफॉर V4 दिस इक्वेशन चेंज टू P3 अपॉन P4 की जगह P3 इज इक्वल टू P2 और P4 इज इक्वल टू P1 एंड V3 इज इक्वल टू VC, दिस इक्वेशन बनाना, सब्सटीट्यूट ये V4 जो आया है ये हम यहाँ पे पुट करें, ये V4 की जगह इस इक्वेशन में, ठीक है, पुट किए तो एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू VS प्लस VC माइनस ऑफ P2 अपॉन P1 1 अपॉन n इंटू VC अपॉन VS। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो VS और VS 1 हो जाएगा प्लस VC अपॉन VS माइनस ऑफ P2 अपॉन P1 का पावर 1 अपॉन n इंटू VC अपॉन VS हो जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस P2 अपॉन P1 पावर 1 माइनस n माइनस 1 और इसमें से दोनों VC अपॉन VS कॉमन ले लिया तो ये अपना ये इक्वेशन मिला। तो एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है ना। अब स्मॉल इसको और थोड़ा स्मॉल करते हैं तो लिखते हैं VC अपॉन VS क्या है, हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम जिसे हम C से दिखाएंगे और हमारा P2 अपॉन P1 है प्रेशर रेशियो जिसे RP से दिखाएंगे। तो P2 अपॉन P1 की जगह RP लिख दो, VC अपॉन VS की जगह C लिख दो तो आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ जाएगा दिस। दिस का इसका मतलब क्या हुआ, इस जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगा विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर रेशियो एंड इंक्रीज ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम। जितना ज़्यादा क्लियरेंस वॉल्यूम, जितना ज़्यादा प्रेशर आपका होगा उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी। ओके, नाउ वर्क डन। अब ड्यू टू दिस ये क्लियरेंस के कारण जो वर्क होगा उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, देयरफॉर वर्क डन फॉर क्लियरेंस, वर्क डन इज इक्वल टू कवर बाई एरिया 1, 2, 3, 4, दिस एरिया 1, 2, 3, 4 जो एरिया है दिस एरिया। नाउ वन एरिया दिस, ये आपका वर्क डन हुआ, मीन्स जो वर्क डन हो रहा है वो एक्चुअली में ये हो रहा है, ये वर्क डन हो रहा है। देयरफॉर एरिया A1 to B माइनस ऑफ एरिया 3, 4 AB, ये पूरे में से जब इतना माइनस कर दोगे तो हमारे अंदर वाला निकल जाएगा। देयरफॉर वही हमने यहाँ पे किया, देयरफॉर एरिया A1 to B क्या हो जाएगा, n अपॉन n माइनस 1 P1 V1 P2 अपॉन P1 n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 दिस एंड फॉर दिस n अपॉन n माइनस 1 P4 अपॉन V4 P3 अपॉन P4 P3 अपॉन P4 n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 वेयर P3 इज इक्वल टू P2 एंड P4 इज इक्वल टू P1 देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू सेम जो पहले वर्क डन आया था हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का सेम वही आ रहा है बस यहाँ पे P1 V1 हुआ करता था यहाँ पे P1 इज इक्वल टू V1 माइनस V4 क्योंकि एयर जो अंदर आ रहा है वो V1 माइनस V4 बाकी सेम इक्वेशन क्लियर। मल्टी स्टेज कंप्रेसर नाम से ही लग रहा है मतलब हम लोग मल्टी स्टेजिंग करने वाले हैं कंप्रेसर का। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे कि जब आपको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हाँ स्टार्टिंग में हमने जब पढ़ा था प्रेशर लिमिट ऑफ कंप्रेसर फॉर लो कंप्रेसर के लिए हम देखा था कि डिलीवरी प्रेशर मतलब आउटपुट जो हमें प्रेशर मिलेगा एट 1.1 bar पे, मीडियम के लिए पढ़ा था 7 bar मिलेगा और हाई प्रेशर के लिए पढ़ा था 7 to 10 bar मिलेगा। बट इन केस ऑफ अगर आपको 10 bar से ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत हो एट आउटलेट पे तो क्या करोगे, मतलब अगर आपको 20 bar चाहिए 30 bar चाहिए इन दैट केस हम यूज़ करते हैं मल्टी स्टेजिंग, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, अपने को जैसे कि एक कंप्रेसर यूज़ किए, ठीक है, एक कंप्रेसर से जो जिस प्रेशर पे निकला वो दूसरे कंप्रेसर के लिए वो इनलेट हो जाएगा वो प्रेशर और फिर उससे और
कंप्रेस होगा, वो प्रेशर जो होगा उससे और कंप्रेस होगा, और फिर वो आउटलेट पे और ज़्यादा प्रेशर पे निकलेगा। तो तीसरा, चार, ऐसे चार पांच कंप्रेसर यूज़ करके हमें जितनी प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है एट आउटलेट पॉइंट, डिलीवरी पॉइंट पे रिकवरी जितना होता है हम वैसे कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन से, ठीक है। बट ये आपका जो आपको जो ये दो फिगर दिख रहा है, ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है, पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम फॉर मल्टी स्टेजिंग, ठीक है। तो ये देखोगे एट प्रेशर P1, P2, P3 एंड P4 एट दैट पॉइंट, ये आपका एक कॉन्स्टेंट पॉइंट है 1 से H 2 डैश से 1 से 2, फिर ये 3 और ये 4 है, तो 1 से 2, नाउ 2 डैश से 3, 3 डैश से 4, 4 डैश एंड दैट पॉइंट। तो 1 से H जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है और एंथैल्पी वेरिएशन फॉर दिस, ओके। अब ये इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे। नाउ एयर फ्रॉम सराउंडिंग, देखो एयर आया सराउंडिंग से, लो प्रेशर सिलेंडर में गया, लो प्रेशर सिलेंडर से फिर हम वो बाहर आया और पहला स्टेज इंटरकूलर, ये है फर्स्ट स्टेज इंटरकूलर। क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब कंप्रेस होने के बाद जब एयर निकलता है हाई प्रेशर से, तो उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें जो फिर इंडिकेटेड पावर सिलेंडर में कुछ उतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेज इंटरकूलर यूज़ किए, तो कुछ टेम्परेचर जो है टेम्परेचर बाहर निकल गया और फिर वो एयर हमारा आ गया इंडिकेटर पावर सिलेंडर में, फिर यहाँ से निकला, फिर उसकी कुछ हीट बाहर निकली, सेकेंड स्टेज इंटरकूलर यूज़ किया हमने, फिर हाई प्रेशर सिलेंडर में आया, उससे जो एयर निकला वो हम जहाँ पर यूज़ करना है उसका यूज़ करेंगे। नाउ थ्योरी क्या कह रहा है, एयर इज़ कॉम्प्रेस्ड, ये थोड़ा क्लियर नहीं है बट मैं पढ़ रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। एयर इज़ कॉम्प्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम 0.1 to 2 इन लो प्रेशर LP सिलेंडर, ठीक है। 0.1 से 2 तक एयर इज़ कॉम्प्रेस्ड इन सिलेंडर, लो प्रेशर सिलेंडर। नाउ द कॉम्प्रेस्ड एयर इज़ प्लेस्ड थ्रू द फर्स्ट स्टेज इंटरकूलर वेयर इट इज़ कूल्ड इन एन आइडियल केस करस्पॉन्डिंग टू इट्स सक्शन टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाई 2 2 डैश, दिस रिप्रेजेंटेड प्रोजेक्टर्स इंटरकूलिंग। अब देखो एक्चुअल में जो होता है नॉर्मली आप देखोगे तो हमारा जो ग्राफ बनता है ये सक्शन हुआ, ठीक है। नाउ ये डिसकॉम्प्रेस, एक ऐसे बनता है कॉम्प्रेस हुआ और ये आउट, ओके। और एक और ऐसे बनता है, एक हमारा बनता है एक्चुअल में ये हमारा सक्शन हुआ, देन ये हमारा क्या हुआ कॉम्प्रेस हुआ एंड देन दिस इज एग्जॉस्ट, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे वर्क डन इतना इतना लग रहा है, देख रहे हो वर्क डन इतना लग रहा है, ठीक है, इतना वर्क डन यूज़ हो रहा है। बट अब जब हम इंटरकूलिंग देते हैं तो इंटरकूलिंग देंगे तब जो हमारी ग्राफ बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी इंटरकूलिंग देने पे, ये किए, ठीक है। नाउ नॉट लाइक दैट, एक्चुअली दिस, ये एयर अंदर आया देन कॉम्प्रेस देन दैट पॉइंट, फिर ये कॉम्प्रेस हुआ, फिर इंटरकूलिंग, फिर कॉम्प्रेस, फिर इंटरकूलिंग, फिर एग्जॉस्ट। तो ये एरिया कम हुआ एज रिस्पेक्ट टू दिस, ये एरिया कम हुआ, दिस मीन्स इंटरकूलिंग करने से आपका वर्क कम लगता है। बस मल्टी स्टेज का मतलब ये है, एक तो आपको जो प्रेशर चाहिए एट लास्ट पॉइंट पे वो मिलेगा, और इसका एक और फायदा होता है हमें वर्क कम देना पड़ता है, ठीक है। ये हम अभी थ्योरी में देखो क्लियर करेंगे। दिस ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये H है, 1 2 2 डैश 3, फिर इधर आया 3 डैश, फिर 4 4 डैश, ठीक है। नाउ द कॉम्प्रेस्ड एयर इज पास थ्रू द फर्स्ट स्टेज इंटरकूलर वेयर इट इज कूल इन एन आइडियल केस करस्पॉन्डिंग टू इट्स सक्शन टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाई 2 2 डैश, ठीक है। 2 से 2 डैश तक ये हमारा फर्स्ट हमारा था फर्स्ट स्टेज इंटरकूलर, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट परफेक्ट इंटरकूलिंग, ओके। नाउ द 0.2 डैश लाइज ऑन द आइसोथर्मल कर्व, दैट इज जो हमारा आइसो, ये जो 0.2 है वो कहाँ है, आइसोथर्मल कर्व, ये हमारा आइसोथर्मल कर्व है और ये जो है पॉलीट्रॉपिक कर्व। तो आइसो जो 0.2 हमारा है आइसोथर्मली आइसोथर्मल जो कर्व है उस लाइन पे डॉटेड जो लाइन आपको दिख रहा है उस पे 0.2 हमारा आ रहा है, ठीक है। नाउ द एयर इज देन एडमिटेड इन टू द इंटरमीडिएट प्रेशर IP में, IP सिलेंडर में आया वेयर इट इज़ कॉम्प्रेस आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम 2 डैश से 3 डैश, ठीक है। अब एयर यहाँ से निकला 2 डैश, अब ये IP में गया और फिर 3 पे, तो 2 डैश से 3 डैश, देखो 2 डैश से 3 डैश आइसोट्रोपिकली हमारा ये कॉम्प्रेस हुआ एयर, देन फिर इंटरकूलिंग हुआ एट 0.3 से, फिर हमारा इंटरकूलिंग हुआ तो ये 3 से 3 डैश पे आया, फिर हमारा आइसोथर्मली कर्व पॉइंट पे आ गया,
फिर वो आइसेंट्रोपिली इंक्रीज हुआ और हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर सिलेंडर में जब गैस गया तो ये फिर 3-4 तक एक्सपेंड हुआ आइसेंट्रोपिकली, फिर इंटरकूलिंग हुआ और फिर ये एग्जॉस्ट हो गया। मतलब जो हमारा ग्राफ बना वो कुछ इस तरह का, पॉलीट्रोपिकली देन आइसोथर्म, आइसेंट्रोपिकली देन आइसोथर्मल देन आइसेंट्रोपिकली एंड देन, ठीक है। तो जो ये एरिया है, जो ये एरिया है एज कंपेयर टू ये होल एरिया, हमारा वर्क डन कम लग रहा है, मल्टी स्टेज का यही है। नाउ विदाउट इंटरकूलिंग द कर्व ऑफ कंप्रेशन वुड हैव फॉलोड द पाथ 1-2H, विदाउट वर्क 1-2H, अगर आप इंटरकूलिंग यूज नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट हमारा ऐसे जाएगा 2 पे जाएगा देन H पे जाएगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये गैस हमारा। नाउ इट सॉल्विंग द वर्क इनपुट ड्यू टू इंटरकूलिंग, इट सॉल्विंग अच्छे से काम किया, इट सॉल्विंग इट सेविंग द वर्क इनपुट ड्यू टू इंटरकूलिंग, ड्यू टू इंटरकूलिंग ये क्या करता है, वर्क को कम करता है और वर्क को बचाता है। ना वर्क डन, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू वर्क डन इन लो प्रेशर सिलेंडर प्लस वर्क डन इन इंडिकेट दैट इज क्या है इंटरमीडिएट प्रेशर सिलेंडर, वर्क डन इन हाई प्रेशर सिलेंडर। सबके लिए फॉर्मूला सेम होगा, बस वैल्यू चेंज एकदम होगा, ठीक है। तो फॉर लो प्रेशर सिलेंडर के लिए, लो प्रेशर सिलेंडर के लिए 1 और 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ P1V1 P2 upon P1, बाकी γ-1 upon γ दैट इज -1। फॉर हाई इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए देखोगे क्या है 2-3 है, ठीक है। देयर फॉर P2V2 P3 upon P2 γ-1 upon γ-1, ठीक है। फिर इसी तरह P3 के लिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप जानते हो P1V1 is equal to P2V2 is equal to P3V3 is equal to mRT1। देयरफॉर वर्क डन जो हमारा होगा फाइनली γ-1 upon γ mRT1 सब में से कॉमन लोगे और ब्रैकेट के अंदर आएगा P2 upon P1 का पावर γ-1 upon γ प्लस P3 upon P2 का पावर γ-1 upon γ प्लस P4 upon P3 का पावर γ-1 upon γ-3, ठीक है। फाइनल वर्क डन होगा ड्यू टू मल्टी स्टेजिंग का जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये होगा। एंड द हीट रिजेक्टेड इन इंटरकूलर, फर्स्ट स्टेज है हमारा Q1 is equal to m dot Cp T2 minus T2 dash, एंड फॉर सेकेंड स्टेज के लिए जो हीट ये Q1 Q2 जो इंटरकूलर से जो हीट एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हीट रिजेक्शन डेट इज Q1 is equal to m स्पेसिफिक वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर Cp और मास फ्लो रेट कितना आया T2 minus T2 dash, ठीक है। और Q2 के लिए mCp T3 minus T3 dash, ये आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी में अगला इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रोटरी कंप्रेसर। ओके, तो गाइज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4-5 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस टॉपिक से पूछे भी नहीं गए। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फॉर एयर कंप्रेसर लीस्ट वर्क इनपुट विल बी नीडेड इफ द कंप्रेसर इज, बताइए, हाइपरबोलिक, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक या आइसोथर्मल। यस, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये चीजें पढ़ाया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कंप्रेसर पढ़ाया था, पीवी डायग्राम जब मैं आपको कंप्रेसर का पढ़ा रहा था, पीवी डायग्राम, तो उसमें मैंने बताया था पहले सक्शन, उसके बाद इस तरीके के मैं लाइन करके ये हमारा मैं 3 लाइन ड्रॉ किया था, है ना। एक इस तरीके का ड्रॉ हुआ था आइसो एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एक इस तरह पॉलीट्रोपिक, इस तरीके से मैंने बताया था ना। तो इसी में पूछ रहा है कि लीस्ट वर्क आउटपुट किस में लगता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एयर कंप्रेशर, ठीक है, ध्यान से देखना, एन आइडियल गैस एयर कंप्रेशर साइकिल विथ क्लियरेंस ऑन पीवी डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से क्लियरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन एडियाबैटिक, 1 एडियाबैटिक 2 आइसोबैरिक एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोबैरिक 2 एडियाबैटिक 1 आइसोबैरिक एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, या 1 एडियाबैटिक 1 आइसोबैरिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यस, सही पकड़े हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका सही है, ऑप्शन बी जो है सही है, 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोबैरिक प्रोसेस, यही तो होता है यार हमारे कंप्रेसर में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज व्हाट इज द अनस्टडी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द फ्लूइड दैट कॉजेस पल्सेशन इन द इंजन कंप्रेसर नोन एज पल्सेशन कंप्रेसर चोकिंग और सर्जिंग। यस, यू आर राइट, द ऑप्शन इज डी, सर्जिंग है हमारा।
इन टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेशर द सक्शन एंड डिलीवरी प्रेशर आर 1 and 4, ठीक है, 1 and 4 रिस्पेक्टिवली. फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी द इंटरकूलर प्रेशर इज, सो फॉर इंटरकूलर प्रेशर की बात कर रहा है, तो इंटरकूलर जो प्रेशर होता है, इंटरकूलर प्रेशर की जब बात कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, रूट पी वन एंड पी टू. प्रेशर दिया गया है आपको 1 और 4, 1 into 4, ठीक है, यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा क्या, 4, रूट 4, और रूट 4 का आंसर 2 बार, डायरेक्ट आपका आंसर बी जो है वो सही हो जाता है 2 बार, ठीक है. बस इतना ही क्वेश्चन है. अब जब रोटरी कॉम्प्रेसर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें रोटरी कॉम्प्रेसर से भी कम टॉपिक क्वेश्चन आते हैं, तो कम क्वेश्चन है. उसके बाद फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में.